लाइटिंग है। पुल टूट रहा है गोलापुर का, भागो। अरे भयंकर तूफान पे देखो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भारी बारिश के कारण गोला नदी में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से एक पुल टूट गया है। तो हम दूसरे पुल की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि उसका हाल कैसा है, ठीक है? फिर तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। पुलिस वाले अब थोड़ी देर में यहाँ से हम सबको भगाने वाले हैं, मुझे लग रहा है। तो गाइस बहुत ही खौफनाक नज़ारा है, देख सकते हो कितनी बाढ़ आ रही है। और गोला नदी का जो पानी है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है और आज भी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। भले ही कैमरे में दिख रही थी, कितनी खतरनाक तरीके से पानी जा रहा है। क्योंकि नैनीताल वाला डैम जो है ना, उसका पानी भी खोल दिया गया, इसलिए तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ हो रही है। पुलिस वाले भी यहाँ पर हैं, भगा रहे हैं सबको, क्योंकि कोई मान नहीं रहा है अभी फिलहाल। अभी थोड़ी पीछे आधा पुलिस आएगी तभी भागी है ये सब। चलो ठीक है, अब यहाँ से चल के तो आपको यहाँ से डैम का नज़ारा दिखाऊंगा मैं, ठीक है? वाह यार, थोड़ी देर बाद ये भी पुल लगता है जाने ही वाला है, निकलने में यहाँ पड़ा ही है यहाँ से, ठीक है दोस्त? तो गाइस बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर, पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप। आगे वाला पुल तो खत्म हो गया बिल्कुल, अभी वाला रह गया, पहाड़ों से भी पानी गिर रहा है यहाँ पर, यहाँ से निकलने में ही भला ये पुलिस वाले भगा रहे हैं भाई। ये देखने वालों की भीड़ थोड़ी देर में ये पुल भी जाएगा। अब तो गाइस जहाँ से हम जाते हैं गोला डैम घूमने के लिए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया, दिखाता हूँ अभी आपको। बहुत तकड़ा लग रहा है, ये एक नंबर ना जा रहा, बह जाएगा कोई भी यहाँ पर आके। ये देखो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक तरीके से पानी बह रहा है यहाँ पर, सब कुछ आवाजाही रोक दी गई है। यहाँ देखो इस गोला डैम के अंदर जाने के लिए क्या नज़ारा है यहाँ का, यहाँ से कोई क्रॉस भी नहीं कर सकता, बहुत तगड़ी तरीके से पानी आ रहा है पहाड़ों का। गोला डैम का तो आपने देख ही लिया, वो वाला एक तो टूट गया, दूसरा वाला भी टूटने ही वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखो बहुत तगड़ा नज़ारा है यहाँ का, अब आपको कैमरे में तो पता नहीं चलेगा, रियलिटी में मैं देख रहा हूँ तो बहुत तगड़ा हो रहा है। चलो आपको थोड़ा नीचे जाके दिखाते हैं नदी का प्रवाह कितनी तेज है। तो गाइस आपको पीछे से दिखा रहे हैं, ठीक है? बहुत कतई, बहुत एक नंबर पानी चल रहा है बिल्कुल फुल स्पीड में, और मेरे को लग रहा है कि जल्द ही ये जो पाड़ूधाम वाला डैम है ये भी क्षतिग्रस्त हो सकता है।
शंका है ऐसी। अभी तो मैं जा रहा हूँ नीचे, दिखाता हूँ फिर आपको नदी का प्रवाह कितनी तेज है। वारे गजब, बस दूर से दिखाऊंगा ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो यार ये ऐसा पानी चल रहा है और नीचे जा रहा है और दिखाने के लिए बताओ, ऐसा नहीं है, दूर हूँ मैं फिलहाल नदी से, दिखाता हूँ आपको पीछे के कैमरे से। भाई यहाँ पर भी भीड़ लगी पड़ी है देखने वालों की, देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है। अरे बेटा क्या सीन शॉट चल रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हो ना यहाँ का नज़ारा, ऐसे प्रलय आ गया बिल्कुल। गाइस ये देखो भाई एक नंबर, क्या कह सकते हैं इसको, कुछ ज्यादा ही हो रहा है लग रहा है, ये भी गया आप क्यों? अच्छा पानी बढ़ रहा है अब, नैनीताल वाला डैम खोलने की वजह से, डैम खोलने की वजह से पानी और बढ़ गया है। बहुत तकला नजारा है, दिल धड़का देने वाला। गाइस देख सकते हो कितनी तगड़े से पानी गिर रहा है यार, बताओ पानी से तो बिल्कुल भी मजाक नहीं करनी चाहिए। तो गाइस बहुत खौफनाक नजारा है, आप देख सकते हो बिल्कुल, अब इस बहाव से वो पुल नहीं टूटेगा तो क्या होगा बताओ। नैनीताल जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, भीमताल वगैरह कोई कहीं नहीं जा सकते, यहाँ सब जगह पुलिस वाले खड़े हैं, बिल्कुल पुल के आर पार भी नहीं होने दे रहे हैं किसी को। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर, और रास्ते में तो पुलिस वाले सब चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, यानी कि कोई इधर से उधर ना जा पाए। तो गाइज आई होप आप सबको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, तो लाइक और कमेंट कर दियो और शेयर के बटन में भी क्लिक कर देना ठीक है। तो आज के ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, और क्या अब निकलते हैं घर को, क्या किया जाए यार, लेकिन नैनीताल की रास्ता बंद है, जगह जगह चेकिंग हो रही है, पुल के आर पार भी नहीं होने दिया जा रहा है किसी को। तो गाइज घर पर रहो, सावधान रहो, दो तीन दिन तक कहीं घूमो फिरो। Bye.